हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, सीता, रवि ये व्यक्ति के नाम है। सीता एक लड़की का नाम है, रवि एक लड़के का नाम है, ये व्यक्तियों के नाम है। वस्तु, मेज। स्थान, जयपुर, ताजमहल। भाव, सुंदरता। ये नाम है, ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, व्यक्ति के भी नाम होते हैं, स्थान के भी नाम होते हैं, और भाव के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, तो ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दो, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? सभी के नाम लिखो। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगली कक्षा में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, संज्ञा के भेदों की डेफिनेशन। ओके, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है।